हमारे साथ प्रियंका गांधी जी हैं, मथुरा में महापंचायत करिए मैम, आपकी वेस्टर्न यूपी में चौथी महापंचायत। और आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अहंकारी हैं और साथ में साथ कायर भी, उन्होंने आपने बड़े स्ट्रांग वर्ड्स बोले हैं, ऐसा क्यों कहा आपने मैम? क्योंकि अगर एक नेता ये समझ नहीं पा रहा है कि लाखों लोग बॉर्डर पे, लाखों किसान प्रताड़ित हुए हुए हैं, बॉर्डर पे बैठे हैं 90 दिनों से, और अगर उनसे बात करने के लिए नहीं आए, उनकी समस्या समझने के लिए तैयार नहीं है, कह रहे हैं कि उनकी बुद्धि किसानों की बुद्धि से बड़ी है, तो अहंकारी ही होंगे। क्योंकि वो बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं कि ये किसानों के लिए बनाया, हमने किसानों के लिए है। किसान कह रहा है भैया हमें नहीं चाहिए, हमारे लिए नहीं है ये कानून हमें मार डालेंगे, आप सुन नहीं रहे, तो अहंकार नहीं हुआ तो क्या हुआ? मैम अब ये बीजेपी कह रही है कि ये पूरा जो किसान आंदोलन है वो पॉलिटिसाइज कर दिया है। अच्छा, आप महापंचायतें कर रही हैं, जयंत चौधरी भी कर रहे हैं, आप इसमें राजनीति कर रहे हैं और किसानों को भ्रम में डाल रहे हैं, उनका सीधा आरोप है आप लोगों पर। अच्छा, तो सुनिए, अगर किसान, उसका मतलब है कि भाजपा के नेता किसान को समझ नहीं पाए। अगर किसान खुद आकर वहाँ बैठा है बॉर्डर पे 90 दिनों से, 215 किसान शहीद हुए हैं, तो इसमें राजनीति की कौन सी बात है बताइए? इसमें किसने राजनीति की है? जब जब ये कोने में आ जाते हैं और इनकी आलोचना होती है, जब जनता को इनकी नीतियाँ पसंद नहीं आती, तब ये दो चीज़ें करते हैं। सबसे पहले तो बहाना मारते हैं, जिम्मेदारी नहीं लेते, कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने किया इसलिए हम भुगत रहे हैं, हमें करना पड़ रहा है। और दूसरी बात ये कहते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका? सबसे बड़ी राजनीति करने तो वाले तो ये लोग हैं। मैम एक छोटा सा सवाल आपसे, मुजफ्फरनगर की रैली कवर कर रहा था मैं आपकी, आपने बोला कि मैं गद्दारी नहीं करूंगी आपके साथ, किसानों के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। किसानों की, मैं किसी के साथ नहीं करूंगी। उत्तर प्रदेश की जनता, आप लगातार हैं, आप इलाहाबाद गई, निषादों की बात की, आज आपने उनके लिए अनाउंस भी किया है कि आप 10 लाख रुपए भी देंगे। ये मेरे लिए हल्के मामले नहीं है, ये मेरे लिए ऐसे मैं नहीं बोलती हूँ। आप आती रहेंगी? बोलती हूँ तो दिल से बोलती हूँ, सच्चाई बोलती हूँ। मुजफ्फरनगर, आप, हमें याद है जब दंगे हुए थे पिछली बार, आप वहाँ पर आई थी, आप रुकैया के घर के घर पे गई। मुझसे अभी भी टच में है, मेरे व्हाट्सएप पे मुझे हर 2-3 दिन मुझे मालूम है कि उनकी शादी कहाँ हुई है, उनकी फोटो है मेरे पास, सब कुछ है, मैं छोड़ती नहीं हूँ लोगों को। मैम अब लोग, मैम लोग ये कह रहे हैं, जब आप रैली में आ रही थी वो बात हो रही थी कि लोग ये कह रहे थे कि अब प्रियंका गांधी को, अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं तो इसलिए जुड़िए क्योंकि प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री बनाना है, ये आपके आने से पहले स्टेज पर अनाउंस हो रहा था, तो क्या उनकी बातों पर को कैसे देखें हम कि प्रियंका गांधी क्या कांग्रेस की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार है? मैम मैं अपना कर्तव्य निभा रही हूँ, ये मेरा कर्तव्य है, जनता की आवाज उठाना मेरा कर्तव्य है, चाहे जनता दुखी हो। किसी को, जैसे आपने कहा पिछले साल मुजफ्फरनगर गई मैं, मेरठ गई मैं, बिजनौर गई, इस साल भी जा रही हूँ, किस लिए? क्योंकि लोग दुखी हैं, लोग चाहते हैं कि कोई उनकी सुनवाई करे, कि उनकी जो, जैसे ये लड़की जो मेरे पास आई, कोई उनकी, अगर उसकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही तो चाहती है कि सुनी जाए, उसकी आवाज़ कहीं पहुँचे जहाँ पर उन्हें न्याय मिले। तो मैं अपना कर्तव्य निभा रही हूँ, मेरा कर्तव्य ये है कि उनकी आवाज़ ऐसी जगह पहुँचे जहाँ से उन्हें न्याय मिले। मैम आखिरी सवाल, पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, कुछ जगहों पर 100 रुपए के ऊपर हो गए, आपको लगता है मैम कि थोड़ा विपक्ष को और मजबूती के साथ सड़कों पर उतरना चाहिए? आपने रैली में बात बोली लेकिन हम देखा था सुषमा जी तमाम लोग सिलेंडर लेके आ जाते, तो उस तरीके से मजबूती के साथ विपक्ष इस मुद्दे को तो रखे थे पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने टेबल पे। देखिए हम तो मजबूती से करते हैं, आप दिखाइए ना। मैडम हम तो दिखाते हैं टीवी में। आप ही दिखाते हैं लेकिन बाकी मीडिया तो नहीं दिखाती ना, तो आप दिखाइए, हम तो मजबूती से लड़ रहे हैं। और हम कितना देखेंगे यूपी में कितना देखेंगे प्रियंका गांधी को हम लोग? मैं लड़ूंगी जहाँ जहाँ न्याय है, मैं न्याय के लिए लड़ूंगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर रैलीज। ये प्रियंका गांधी जी ने कहा था कि वो लगातार लड़ती रहेंगी और वो यूपी की जनता में रहेंगी, और लगातार उनका यही कहना है कि ये उनका कर्तव्य है लोगों के बीच आकर के उनकी बात करना का।